हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, हम सभी गोवर्धन पर्वत मंदिर पर पहुंच गए हैं। 84 कोस की पग यात्रा में भी ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। गोवर्धन पर्वत का इतिहास त्रेता युग से ही जुड़ा है। भगवान राम ने पत्थरों के लिए हनुमान जी से कहा था, तब वे गोवर्धन पर्वत को उठाकर लाए थे, पर सेतु का कार्य पूर्ण होने के बाद हनुमान जी ने उन्हें यहीं पर स्थापित कर दिया था। पर द्वापर युग में कृष्ण जी ने उन्हें उंगली पर उठाकर उनके वचनों को पूर्ण किया और उन्हें अपनी लीला में भागीदार बनाया। ये उन्हीं का मंदिर है। आप देख सकते हैं कि हम सभी यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। पास वही शिव जी और माता पार्वती जी का मंदिर था और फिर हम सभी ने उनमें जाके दर्शन किया। आप देख सकते हैं कि अब पास में राधा रानी जी का भी मंदिर है। ये गोवर्धन पर्वत है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। वहीं मंदिर में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सिक्का चिपकाया जाता है। मानते हैं कि अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो वो सिक्का वहीं पर चिपक जाता है। आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही है। सभी ने उनकी परिक्रमा की और फिर नीचे उतर आए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और ये सिक्का चिपकाने वाला स्थान है और यह मान्यता पूर्ण होने वाला घंटा है। अगर किसी की मान्यता पूर्ण हो जाती है तो वह इस घंटे को जरूर बजाता है। इन सभी स्थानों के दर्शन करने के बाद हम लोग 84 कोस की पगयात्रा पर निकल गए। कुछ समय बाद उस पगयात्रा पर चलने के बाद हम सभी अपने होटल के लिए वापस निकले क्योंकि बहुत देर हो गई थी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।